वेलकम फ्रेंड्स, क्लास 8 के पिछले क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। आज के इस क्लास में हम लोग नेचुरल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, और आने वाले क्लासेस में हम लोग और प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, पहला जो ऑपरेशन है वो है एडिशन। एडिशन जो है, अगर हम लोग किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं, तो जैसे एग्जांपल में देखिए, 1 + 3 = 4, 4 + 2 = 6। तो 1 और 3 दोनों नेचुरल नंबर है, और इसका सम क्या हो गया, 4, ये भी नेचुरल नंबर है। 4 और 2 नेचुरल नंबर है, और इन दोनों का सम क्या हुआ, 6, जो कि नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी दो नेचुरल नंबर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो उसका सम भी नेचुरल आता है। तो इसका मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल होगा हमेशा। ठीक है, किसी भी दो नेचुरल नंबर को जोड़िएगा तो उसका सम हमेशा नेचुरल होगा, जैसा कि दो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसके बाद दूसरा जो है वो है ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर हम एक नेचुरल नंबर में से दूसरा नेचुरल नंबर को घटा रहे हैं, यानी 6 में से 4 को घटा रहे हैं, तो 2 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसी तरह 3 में से अगर 5 घटाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि ये दोनों तो नेचुरल है, 6 और 4 नेचुरल है, और इन दोनों का डिफरेंस 2 आया, जो कि नेचुरल है। लेकिन 3 और 5 दोनों नेचुरल तो है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस -2 आ गया, जो कि नेचुरल नहीं है। नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। तो -2 तो नेचुरल है नहीं। इसका मतलब हुआ कि दो नंबर अगर नेचुरल होगा और उसका डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं आएगा, दोनों का डिफरेंस हमेशा नेचुरल नहीं आएगा। एक केस में तो आ गया, दूसरे केस में नहीं आया, और भी कई केसेस हैं जिसमें नहीं आएगा, कुछ में आ भी सकता है। ठीक है, तो हमेशा इसका जो है सो डिफरेंस नेचुरल नहीं आ रहा है। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में क्लोज्ड नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मतलब ये हुआ कि दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस हमेशा नेचुरल नहीं होगा। अब तीसरा जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ दो एग्जांपल हमने दिया है कि 1 × 4 = 4 हो गया, 4 × 6 = 24 हो गया। तो यहाँ देखिए कि 1 और 4 दोनों क्या है, नेचुरल है, और दोनों का प्रोडक्ट आया 4, तो ये भी नेचुरल है। उसी तरह 4 और 6 नेचुरल है, दोनों का प्रोडक्ट 24, ये भी नेचुरल है। तो दो एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो होगा वो भी हमेशा नेचुरल होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल आएगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। और लास्ट जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन। 8 को 4 से डिवाइड करने पर आता है 2। 8 और 4 दोनों नेचुरल है, और इसका कोशेंट क्या आया, 2, जो कि नेचुरल है। लेकिन 4 को 5 से डिवाइड अगर हम करेंगे तो या तो इस तरह लिख सकते हैं, या फिर
पॉइंट में आंसर आएगा 0.8। ठीक है, तो आप देखिए कि 4/5 नेचुरल तो है नहीं, या 0.8 ये भी नेचुरल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग एक नेचुरल को दूसरे नेचुरल से डिवाइड करते हैं तो हमेशा नेचुरल नहीं आएगा कोसेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर डिवीज़न में क्लोज्ड नहीं है। तो इसीलिए हम लिखेंगे नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। इसका मतलब ये हुआ कि दो नेचुरल नंबर को, मतलब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोसेंट होगा, जो आंसर होगा, जो रिजल्ट होगा, वो नेचुरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसलिए नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न। ठीक है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी था किसका, नेचुरल नंबर्स का, इसको हमने आज पढ़ा है। तो अब आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि नेचुरल नंबर जो है वो एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड होता है, यानी नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, एंड नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न। ठीक है, नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में क्लोज नहीं होता है। इसका सीधा सीधा मतलब हुआ कि दो नेचुरल नंबर को अगर जोड़ेंगे तो उसका सम नेचुरल होगा, और दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा नेचुरल होगा, और दो नेचुरल नंबर को आपस में एक दूसरे से अगर हम लोग घटाते हैं तो डिफरेंस हमेशा नेचुरल नहीं आएगा, या फिर एक नेचुरल को दूसरे नेचुरल से डिवाइड करते हैं तो इसका कोसेंट हमेशा नेचुरल नहीं होगा। फ्रेंड्स, आई होप कि आज का ये टॉपिक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 8 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।